जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। हाय, आज फिर हम नया क्लास लेके आ गए हैं कन्वर्सेशन का, बातचीत का, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का, है ना। यानी इंग्लिश कैसे स्पीक करना है, कैसे बोलना है, एक दूसरे के सामने कैसे बातचीत करेंगे, कौन सा वर्ड हमें कब बोलना होगा, और जो है कैसे बातचीत करना होगा, किस तरह से बात करेंगे। अब हमारे से कोई छोटे हैं तो उससे किस तरह से बात करेंगे, कोई बड़े हैं तो उसको किस लहजा में बात करेंगे, किस हिसाब से बात करना है, वो सब हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, तो कन्वर्सेशन क्लासेज जो है, यूज ऑफ कैन, यानी कैन का यूज कब किया जाएगा, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कैन का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये जो है डेली यूज सेंटेंस है, हम इसका डेली यूज करेंगे तब जाके हमारे जिंदगी कुछ काम आ पाएगा। ऐसा नहीं आज हम पढ़ लिए फिर जो है उसका यूज एक बार एक महीना के बाद करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसका जो है डेली यूज करेंगे, हमने डेली लाइफ का रूटीन ही बना लें कि हमें इंग्लिश बोलना है, इसलिए जो है हम सीख रहे हैं। तो इंग्लिश की स्पीकिंग क्लासेस शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पिछले क्लास में हम कन्वर्सेशन क्लासेस पढ़े हैं, इससे पिछले क्लास में लगभग 3-4 क्लास गए, चारों क्लास में हमने स्पीकिंग क्लासेस किया, जिसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। जिसको शुरू से अगर पढ़ना है आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हम पढ़ेंगे आज, तो उसमें क्या यूज ऑफ कैन, क्या यूज करेंगे कैन का, है ना। ये कैन का यूज कब किया जाता है, कैन का यूज कब किया जाता है, हम कैसे कह सकते हैं, कौन सा वर्ड हिंदी में रहेगा तो उसको हम कैन कैसे बोलेंगे। तो कैन का मीनिंग होता है सकना, कैन का मीनिंग क्या होता है सकना, यानी कि मैं कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, एटसेट्रा जो भी है सब हो सकता है। तो जैसे जिस सेंटेंस में सकता आ गया उसमें हम कैन यूज कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में क्या आ गया सकता, तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं कैन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो उसके बाद समझ में आएगा, थोड़ा गौर से ध्यान दोगे एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए तब जाकर आपको समझ में आएगा क्या है नहीं। चलिए तो यहाँ पर लिख रखा है कि मैं लिख सकता हूँ, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं का तो होता है आई, मैं का क्या होता है आई, अब आई तो हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा सकना या सकता, ये जो रहेगा तो इसका यूज करेंगे कैन करके। यानी कैन हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया तो देना पड़ेगा ना, जो वर्ब का अगर एक सेंटेंस, एक चीज और, किसी सेंटेंस में अगर दो ठो वर्ब है, ओके, अगर दो ठो दोनों का दोनों मेन वर्ब है तो पहले वाले वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे और जो भी बचा है सब मेन वर्ब जाएगा। उसी हिसाब से अगर एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है या फिर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसको ही मेन वर्ब बना लीजिए। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। तो हमने यहाँ पे लिखा मैं लिख सकता हूँ, तो आई कैन को हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है लिखना, क्या है तो लिखना, इसका मीनिंग होता है राइट, होता है ना, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो आगे समझ में कि कैन का यूज हम कहाँ करेंगे, उसी हिसाब से मैं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड। अब देखो लिखना था पढ़ना है ना, आई कैन रीड, समझ में आ रहा है। मैं दौड़ सकता हूँ, आई लगेगा ही है कि नहीं, अब कैन तो लगाना पड़ेगा, सकता है, सकता के लिए क्या यूज करेंगे कैन, आई कैन रन, समझ में आया। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। मैं कर सकता हूँ, सॉरी मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। आप गा सकते हैं या आप गा सकते हो, यू कैन सिंग। आप गा सकते हो, यू कैन सिंग। सिंग में होता है गाना,
कैरम सकने के लिए यूज कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अब क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए, जहाँ पे समझ नहीं आया है, जिस टॉपिक पे समझ नहीं आया, जो सेंटेंस समझ में नहीं आता है, कृपया करके आप कमेंट कीजिए एंड बताइए कि कहाँ पे आपको वीडियो का क्या बोलते हैं अच्छा लगा या नहीं लगा, आप उसका जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप गा सकते हैं यू कैन सिंग, आप नाच सकते हो यू कैन डांस, नाचने का डांस होता है ना, आप नाच सकते हैं यू कैन डांस। मोहन खा सकता है, क्या है मोहन खा सकता है, तो मोहन मोहन के साथ में लगाएंगे हम कैन, क्या लगाएंगे कैन, मोहन कैन इट खा सकता है, इट मींस खाना होता है, नहीं होता है, इट मींस खाना होता है ना, तो मोहन कैन इट मोहन खा सकता है। राधा खेल सकती है, राधा कैन खेलना का होता है प्ले, राधा कैन प्ले, राधा खेल सकती है, वो नाच सकती है, सी कैन डांस, सी कैन डांस, वो नाच सकती है, शी कैन डांस, वो नाच सकती है। मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट, आई कैन सिट, आई कैन सिट, आप जा सकते हो यू कैन गो, यू कैन गो, आप जा सकते हो यू कैन गो। अब पढ़ते हैं अगला जो नेक्स्ट टॉपिक, इसी सेंटेंस में एक चीज और अगर ऑब्जेक्ट वर्ड मिला रहेगा तो फिर उसका कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे था मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है मैं एक किताब लिख सकता हूँ, क्या है मैं एक किताब लिख सकता हूँ, जैसे मैं जा सकता हूँ मैं वहां जा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ मैं तेज दौड़ सकता हूँ, है कि नहीं, मैं देख सकता हूँ मैं टीवी देख सकता हूँ, मैं मूवी देख सकता हूँ, मैं क्या बोलते पढ़ सकता हूँ, मैं ये अखबार पढ़ सकता हूँ, इस तरह का सेंटेंस है तो कैसे यूज करेंगे, तो सेम टू सेम प्रोसेस है बट हमें अदर वर्ड यूज करना है, सेम प्रोसेस है बस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट, मैं एक किताब लिख सकता हूँ आई कैन राइट, लास्ट में क्या जोड़ देंगे ए बुक, अदर वर्ड हमें जोड़ देना ऑब्जेक्ट वर्ड को, आई कैन राइट ए बुक, मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड लिखे ना यहाँ पे, आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ बट मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड न्यूज पेपर, आई कैन रीड न्यूज पेपर, आई कैन रीड न्यूज पेपर, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं उर्दू बोल सकता हूँ एटसेट्रा, बट यहाँ पे क्या लिखे हमने मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक उर्दू, कह सकते हैं ना, अरे मैं यह काम कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ लिखा हुआ है, तो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ आई कैन डू, या फिर क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे क्या राधा खेल सकती है कि नहीं, राधा खेल सकती है, यहाँ पे क्या लिखा गया है राधा कबड्डी खेल सकती है, क्या खेल सकती है कबड्डी खेल सकती है, राधा कैन प्ले क्या चीज कबड्डी, राधा कैन प्ले कबड्डी, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं लूडो खेल सकता हूँ आई कैन प्ले लूडो, है कि नहीं, तो एटसेट्रा लास्ट में अदर वर्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है क्या तुम अंग्रेजी, सॉरी मैं गाना नहीं गा सकता, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, आई कैन नॉट, कैन के साथ क्या लगा देंगे यहाँ पे नॉट, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, किसमें आ रहा है नेगेटिव में, क्योंकि टेंस में पढ़े कि नेगेटिव रहेगा तो नॉट यूज करना है कि नहीं, हम टेंस का भी क्लासेस करवा चुके हैं पहले भी, आप जाके सब वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, शुरू से हमने पढ़ा रहे हैं तो सब जाके यहाँ पे सिर्फ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देखिए एंड जो भी वीडियो में आपको जो भी दिक्कत आ रहा हो आप कमेंट कीजिए प्लीज और बताइए कहाँ का आपको दिक्कत आया ताकि हम उसको सुधार सके। तो मैं गाना नहीं गा सकता हूँ आई कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ आई कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे क्या सिर्फ गा सकता हूँ क्या नहीं गा सकता हूँ गाना ना, तो गाना का हो जाएगा सॉन्ग, गाना का हो जाएगा सिंग, गाना गा सकता हूँ आई कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, सवाल कर रहे हैं क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, क्या तुम वहाँ जा सकते हो, क्या तुम वहाँ दौड़ सकते हो, क्या तुम दौड़ सकते हो, क्या तुम खेल सकते हो, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो कैन हम पहले यूज करेंगे, क्या हो जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या वह सुन सकती है कैन सी हियर, कैन सी हियर, कैन सी हियर। तो आज का टॉपिक क्या था यूज ऑफ कैन का, जो एक कन्वर्सेशन क्लासेस है इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत काम आता है, मैं खेल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, इस सब का जो है जिसमें कैन यूज करेंगे, कैन यूज का सेंटेंस हमने पढ़ा और इसका हम डेली यूज करेंगे तब जाके हमारी जिंदगी में काम आएगा।
अगर हम इसको आज पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा हमारा नहीं है, क्योंकि आज पढ़ा नहीं पढ़ेंगे तो अभी पढ़ा याद रहेगा बट कल क्या कर जाएगा, कल भूल सकते हैं। इसका यूज हम डेली करें और बराबर करते रहें, किसी से बात करें, अपने दोस्त से बात करें, या फिर क्या बोलते हैं अपने घर में बात करें, इंग्लिश को जो है बोलिए, तब जाके आप बोल सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश होता क्या है कि सिर्फ बोलने से हम क्या बोलते सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने से सीखना तो है ही, बट ज्यादातर हम बोलेंगे बोलने पर इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको बोलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर ही लीजिए।